गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज ये 2023 की अंतिम शाम है ना, और इसी शाम के लिए आज हमने कुछ स्पेशल किया है। और स्पेशल ये है कि जो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था, जिसको हम बोलते हैं भारत का अपवाह तंत्र, उस टॉपिक के मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज अपन लेकर आए हैं। और ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो व्यक्ति बेरोजगार जो बच्चा है उसके लिए कोई वर्ष अंतिम नहीं होता, कोई माह अंतिम नहीं होता, जब तक हम नौकरी नहीं लगेंगे। जिस दिन हमारा रोल नंबर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में मिल जाएगा, जिस दिन हमारा रोल नंबर फाइनल लिस्ट में मिल जाएगा, वो नववर्ष होगा हमारे लिए, वो दीपावली का त्योहार होगा हमारे लिए, उस दिन हम सेलिब्रेशन करेंगे भाई, है ना। और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक रुकने वाले नहीं है, चाहे वो हमारे 2023 का अंतिम वर्ष हो, चाहे 2024 का हो, चाहे कल न्यू ईयर हो, लेकिन मेहनत जारी रहेगी। तलवार चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है, उसी प्रकार मेहनत जो है वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, जब तक सफल नहीं हो जाते हमें कोई नहीं मानने, जो जीता वही सिकंदर। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ आज अपन अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, भारत का अपवाह तंत्र। और जो भारत का अपवाह तंत्र है उसके MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक इन क्वेश्चन को अगर बड़ी बारीकी से हमने समझ लिया तो भारत के अपवाह तंत्र से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला भाई, है ना, कभी गलत नहीं होगा। चलो पहला क्वेश्चन है आप सबके लिए कि हिमालय नदी तंत्र में शामिल अपवाह तंत्र नहीं है, यानी कि भारत का जो हिमालय नदी तंत्र है, भारत का जो हिमालय नदी तंत्र है उसमें कौन सा अपवाह तंत्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सिंधु नदी तंत्र, ऑप्शन बी गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और ऑप्शन डी गोदावरी नदी तंत्र। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी तंत्र। सही उत्तर क्या है? गोदावरी नदी तंत्र। चलो भाई देखते हैं, है ना। अब आपके दिमाग में रहेगा कि सर ये ऐसे किस प्रकार से आपने बताया, तो चलो अपने एक मिनट में देख लेते हैं। जब भारत का अपवाह तंत्र देखते हैं, अपवाह तंत्र अपन देखते हैं, तो इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं भाई, है ना, दो भागों में डिवाइड करते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इसको अपन बोलते हैं हिमालय नदी तंत्र, और दूसरा अपन कहते हैं इसे प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र। और ये जो हिमालय नदी तंत्र है इसमें अपन तीन नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, दूसरा हम पढ़ते हैं गंगा नदी वह उसकी सहायक नदियां, तीसरा हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी वह उसकी सहायक नदियां। तो हिमालय नदी तंत्र में सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो नदी तंत्र होता है वो शामिल होता है, और प्रायद्वीपीय जो भारत का नदी तंत्र है इसको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। और जो पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की ओर नदियां बहती हैं वो एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। जैसे नर्मदा ताप्ती है ये खंभात की खाड़ी में अपने एस्चुरी का निर्माण करती है, अरब सागर में अपना जल डालती है, जबकि पूर्व की ओर जो नदियां बहती हैं उनमें गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं ये अरब सागर में ये अरब सागर की बजाय बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती हैं। और इनमें से जब हम देखते हैं तो इसका उत्तर क्या हुआ कि हिमालय नदी तंत्र, यानी कि हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन शामिल है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु है,
गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, शामिल कौन नहीं है, गोदावरी नदी तंत्र। और गोदावरी जो नदी तंत्र है वो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखो बेटा, चोमा युंगडुंग हिमनद से होता है क्या, बोखचू हिमनद से होता है क्या, मापचचुंग हिमनद से होता है क्या, या कैलाश पर्वत श्रृंखला से। तो देखो अपन इसको देखेंगे ना, इसको जब अपन देखते हैं तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखचू हिमनद से। कौन से हिमनद से, बोखचू। तो चोमा युंगडुंग हिमनद से जिस नदी का उद्गम होता है उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। और मापचचुंग हिमनद से जिस नदी का उद्गम होता है उसे बोलते हैं घाघरा नदी, घाघरा नदी, जिसकी सरयू नदी सहायक है, जिसकी शारदा नदी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, यानी कि टोटल लंबाई सिंधु नदी की कितनी है। 1114 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 1365 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई पूछी है भाई, कितनी कुल लंबाई। अगर वो पूछता कि भारत में लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई, भारत में अगर वो लंबाई पूछता तो हम बताते 1114 किलोमीटर। भारत में लंबाई है कितनी है, 114 किलोमीटर, यानी कि 114 किलोमीटर जो लंबाई है वो है भारत में। कहां है, भारत में, भारत में बहती है भाई सिंधु नदी, जबकि 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी, गंगा नदी की लंबाई है, जबकि 1365 किलोमीटर लंबाई है यमुना नदी की। कौन सी नदी है भाई, यमुना नदी की लंबाई है ना, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक पूछा भाई, झेलम है क्या, चेनाब है क्या, रावी और सतलज, सभी सिंधु की सहायक हैं, लेकिन सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा है, सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। कौन सी नदी है भाई, चेनाब नदी। और कल हमने जब भारत की प्रमुख झीलें पढ़ी थी ना, और प्रमुख झीलों में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में है ना, और कुछ झीलें हैं उत्तराखंड में, कुछ झीलें हैं, और हिमाचल प्रदेश की जब हमने झीलें पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था सूरज ताल और चंद्र ताल, और वहां से दो नदियों की धाराएं निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं भागा नदी, भागा नदी और चंद्र नदी। और चंद्र और भागा दोनों जहां मिलती हैं वो मिलती हैं हिमाचल प्रदेश का स्थल है तांडी, तांडी हिमाचल प्रदेश। और ये चेनाब नदी सिंधु में जहां जाकर अपना जल डालती है उस जगह को अपन कहते हैं मिठानकोट, क्या कहते हैं भाई, मिठानकोट। और मिठानकोट पड़ता है पाकिस्तान, कहां पड़ता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। चेनाब की सहायक है झेलम, चेनाब की सहायक कौन है, झेलम, चेनाब की सहायक झेलम है, और झेलम की सहायक है किशन गंगा, जो पाकिस्तान से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर में आकर अपना जल डालती है। तो झेलम, झेलम चेनाब की सहायक है और झेलम की सहायक है किशन गंगा, जिस पर किशन गंगा परियोजना बनी हुई है। और ये जो झेलम नदी है ये झाग पाकिस्तान में अपना जल चेनाब में डालती है भाई, है ना। डिटेल से अपना वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखिएगा, उसमें कंप्लीट डिटेल करवा रखी है भाई, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, चेनाब नदी पर स्थित परियोजना नहीं है, चेनाब नदी पर स्थित परियोजना नहीं है। और जब मैंने सिंधु नदी तंत्र करवाया इसमें तो हमने इसको याद किया था, क्या याद किया था, कि दुल्हे के बगल में साला, दुल्हे के बगल में साला, दुल्हे के बगल में साला चाव से बैठता है, चाव से बैठता है, यानी कि
चेनाब नदी पर जो परियोजनाएं हैं वो इस शॉर्ट ट्रिक से याद किया था कि दूल्हे के बगल में साला चाव से बैठता है, यानी कि दुलहस्ती, बगलिहार, सलाल, ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर हैं। कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, वो नहीं है तुलबुल। कौन सी परियोजना नहीं है भाई? तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर स्थित नहीं है, ठीक है ना। तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। कौन सी नदी पर है? झेलम नदी। तुलबुल, तुलबुल और उरी परियोजनाएं, तुलबुल और उरी दोनों जो परियोजनाएं हैं वो झेलम नदी पर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? अभी अपन डिस्कस करके आए थे किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक है भाई? अभी डिस्कस किया था झेलम की सहायक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चेनाब नदी जो है ये दो धाराओं में निकलती है। चेनाब नदी दो धाराओं में, चंद्र और भागा, और कांडी में आकर एक जगह होती है दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में, फिर इसको कहा जाता है चेनाब, और इसमें अपना जल डालती है झेलम नदी। कौन डालती है? झेलम। और इसमें झेलम में पंजाब पाकिस्तान से निकलकर एक नदी आती है जिसको बोलते हैं किशन गंगा। क्या कहते हैं? किशन गंगा नदी, जिस पर किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो किशन गंगा किसकी सहायक है? झेलम की सहायक है भाई, झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उरी परियोजना का संबंध कौन सी नदी से? उरी परियोजना का संबंध अभी अभी डिस्कस किया है, उरी और तुलबुल। उरी और तुलबुल जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद भी है भाई, इस उरी परियोजना को लेकर, उरी परियोजना को लेकर। तो कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर, झेलम नदी पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है दमचौक से। कहां से? दमचौक से। लेकिन निकलती कहां से है? चिल्लास से। चिल्लास से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। जब हमने देखा कि बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये भारत में जब प्रवेश करती है तो दमचौक जो कि लद्दाख में है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, और चिल्लास से बाहर निकलती है। कहां से निकलती है? बाहर चिल्लास से। और टोटल भारत में जो ये बहती है 1114 किलोमीटर बहती है भाई। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विश्व का सबसे सबसे गहरा गार्ज बनाती है सिंधु नदी गुंजी नामक स्थान पर। किस स्थान पर? गुंजी, जिसे अपन कहते हैं गुंजी गार्ज। क्या कहते हैं? गुंजी गार्ज। और गुंजी गार्ज का निर्माण कौन करती है? सिंधु नदी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सिंधु में पंचनद नदी अपना जल कहां डालती है? वो डालती है बेटा मिठानकोट पाकिस्तान में। कहां डालती है? मिठानकोट पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चमेरा परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है? चमेरा परियोजना का संबंध रावी नदी से है भाई। चमेरा परियोजना हमने देखा था, चमेरा परियोजना है कोल बांध परियोजना और चमेरा परियोजना, ये जो दोनों परियोजना हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश में। कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। जबकि एक है थीन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? थीन बांध परियोजना जो है पंजाब में। कहां है? पंजाब में। और पंजाब में इसे कहते हैं महाराणा रणजीत सिंह बांध भी कहते हैं भाई, है ना, महाराणा रणजीत सिंह बांध। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? इंदिरा गांधी जो नहर है वो कहां से निकाली गई है? बिल्कुल इजी मोड का क्वेश्चन है भाई, है ना, बिल्कुल इजी मोड का, जिसको अपन कहते हैं ना लड्डू जैसा क्वेश्चन है। कहां से? हैरी के बैराज से, जहां
जहां व्यास और सतलुज नदी आकर मिलती हैं, उसे कहते हैं हरी के बैराज। क्या कहते हैं भाई? हरी के बैराज। सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी और व्यास नदी, सतलुज और व्यास नदी। व्यास नदी का होता है उद्गम, व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड से। और सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत, तिब्बत से, है ना। तो सतलुज की कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, 1450, और भारत में कितनी है? 1050 किलोमीटर। और सतलुज नदी पर दो परियोजनाएं हैं, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में है, और दूसरी परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना जो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई न कोई इसमें इसमें लॉजिक है, वो लॉजिक देखते हैं। पोंग बांध परियोजना, पडोह बांध परियोजना, पार्वती परियोजना और थीन बांध परियोजना, है ना। पोंग, पडोह और पार्वती, पोंग, पडोह और पार्वती, ये जो तीनों परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं हैं व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। जबकि अभी अभी हमने पढ़ा थीन बांध जो है ये है रावी नदी पर। कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर। यानी कि ये जो थीन बांध जो परियोजना है ये शामिल नहीं है भाई, ये शामिल नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, इनमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा थीन बांध परियोजना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थीन बांध परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नाथवा झाकड़ी परियोजना कौन से राज्य में है? अभी अभी मैं बात करके आया था, डिस्कस करके आया था, हिमाचल प्रदेश में। कहां है नाथवा झाकड़ी? है हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर, सतलुज नदी पर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर। एकदम से इजी क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे भाई। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा, कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार गंगा, और रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। चलो भाई एक बार मैं समझाता हूं। वैसे तो मैंने बिल्कुल अच्छे से ये शॉर्ट भी डाला था प्रमुख प्रयाग का, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। तो देखो समझते हैं अपन एक बार। सबसे पहले यहां से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा, अलकनंदा जिसका उद्गम होता है, अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपत हिमनद बद्रीनाथ के समीप है, और यहां से उद्गम होता है। और इसमें आकर एक नदी मिलती है सबसे पहले, जिसे जिसे अपन कहते हैं धौली गंगा। क्या कहते हैं? धौली, धौली गंगा, धौली गंगा नदी आकर मिलती है। और ये जो प्रयाग बनता है, ये जो प्रयाग बनता है, इस प्रयाग को अपन कहते हैं विष्णु। क्या कहते हैं भाई? विष्णु प्रयाग। बड़े अच्छे से करवाया था भाई, है ना, मैंने शॉर्ट में भी इसको बहुत अच्छे से डाल रखा है। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती है और इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसको अपन बोलते हैं नंदाकिनी, नंदाकिनी। और नंदाकिनी जहां आकर मिलती है इस स्थल को अपन कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहां से जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी और आकर मिलती है जिसे जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं, जिसे अपन कहेंगे पिडार गंगा। क्या कहते हैं? पिडार गंगा नदी। और ये जो पिडार गंगा नदी है ये जहां आकर मिलती है इसको अपन कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग, कर्ण, कर्ण प्रयाग।
और फिर इसमें एक नदी, जब ये आगे बढ़ती है अलकनंदा, तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे अपन कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। और मंदाकिनी जहां आकर मिलती है इसको अपन कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। और जब यहां से अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो यहां से जब आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसे अपन कहते हैं, भागीरथी। और वो जो भागीरथी आकर मिलती है वो मिलती है देवप्रयाग, देवप्रयाग और भागीरथी, भागीरथी आकर मिलती है। और भागीरथी में एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं भिलांगना। क्या कहते हैं? भिलांगना। और जहां जो मिलती हैं, यहाँ टिहरी बांध और गोविंद प्रयाग है भाई। कौन सा है? गोविंद प्रयाग। यानी कि यहाँ से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलो एग्जाम में हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देवप्रयाग। और देवप्रयाग में हमने क्या पढ़ा? देवप्रयाग में हमने पढ़ा कि अलकनंदा और भागीरथी आकर मिलती है। इसका जो मतलब ये है कि हमारा जो पिछला प्रश्न जो है वो ये है कि सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा तो है लेकिन मंदाकिनी नहीं है। मंदाकिनी नहीं है। कौन है? भागीरथी है। कौन है? भागीरथी नदी है। भागीरथी आकर मिलती है तब बनता है देवप्रयाग। तो एग्जाम में बेटा आगे के ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करने हैं। जब आपका ऑप्शन पहला ही आपको मिल गया सही है कि देवप्रयाग सुमेलित नहीं है, तो फिर आगे किस लिए चेक करना? बल्कि अपने यहां कर सकते हैं, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा पहला प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग जो अलकनंदा पिदार गंगा बनता है, तीसरा प्रयाग रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी बनता है, तीनों सही है लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर नहीं वाला होगा, इसका राइट आंसर होगा देव प्रयाग। क्या आंसर होगा? देव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कि सतलुज नदी की भारत में लंबाई कितनी है? सतलुज की भारत में लंबाई है 1050 किलोमीटर। 1114 जो है ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी की भारत में है। ये सतलुज की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। और ये जो है ये यमुना नदी की लंबाई है, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, गंगा नदी की सहायक नदियां जो दाएं तट पर अपना जल नहीं डालती हैं, चलो देखते हैं। ये जो है ये गंगा नदी जो बहती है, यहां से आकर यमुना अपना जल डालती है, और इसमें कुछ नदियां हैं जो अपना जल डालती हैं। राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानंदा है। इधर से यमुना की सहायक चंबल है, चंबल के बाद सिंध, बेतवा है, केन है, फिर है टोंस नदी है, फिर करमनासा नदी है, फिर सोन नदी है, फिर पुनपुन नदी है। कौन सी नदी है? पुनपुन नदी है, है ना? तो हम देखते हैं कि इसे हम कहते हैं यमुना, यमुना। ये जो है इसे हम कहते हैं राम गंगा। क्या कहते हैं? राम गंगा। ये जो नदी है इसे अपन कहते हैं गोमती। ये जो नदी है इसे अपन कहते हैं घाघरा। ये जो नदी है इसे अपन कहते हैं गंडक। इसको कहते हैं कोसी और इसको कहते हैं महानंदा। ये जो नदी है इसे अपन कहते हैं चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। चंबल की सहायक है सिंध, सिंध, सिंध के बाद में बेतवा है, बेतवा। इसे अपन कहते हैं केन। इसे कहते हैं टोंस नदी, टोंस नदी। इसे बोलते हैं कर्मनासा और ये है सोन नदी और ये है पुनपुन नदी, पुनपुन नदी। प्रश्न क्या पूछा है कि गंगा नदी की सहायक नदी जो दाएं तट पर अपना जल नहीं डालती है, यानी कि गंगा नदी को हम देखेंगे, गंगा नदी को देखेंगे तो जिधर गंगा का जल बहकर जा रहा है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ, जो दायां हाथ है वो दायां हाथ है, जो लेफ्ट है लेफ्ट, बायां हाथ बायां तट है। तो ये वाला जो तट है इसे अपन बोलते हैं बायां तट। क्या कहते हैं? बायां तट। और ये जो है इसे कहते हैं दायां तट।
प्रश्न समझना दायां तट, प्रश्न को समझना। प्रश्न क्या बोल रहा है कि गंगा नदी की सहायक नदी जो दाएं तट पर जल नहीं डालती है, यानी कि इस तट पर जो जल नहीं डालती है उसे ढूंढना है। तो पहली है राम गंगा, राम गंगा तो बाएं पे डालती है भाई, सही बात है। गोमती, गोमती कहां डालती है, बाएं तट पर डालती है। यमुना नदी, यमुना नदी डालती है भाई दाएं तट पर, दाएं तट पर डालती है, तो ये गलत हो गया। सोन नदी दाएं तट पर डालती है, डालती है, तो मतलब इस प्रश्न के अनुसार ये दो ऑप्शन तो दाएं तट पर डालते हैं, और नई कौन सी डालती, राम गंगा और गोमती, तो इसमें ए और बी, ए और बी मतलब सी वाला सही होगा। एग्जाम में बेटा, एग्जाम में है ना ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना, क्योंकि मत एक बार आपको ये मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूं कि जहां क्वेश्चन नहीं का आएगा, जहां क्वेश्चन नहीं का आएगा, बच्चा बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं पढ़ता है ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, और फिर जब एग्जाम देकर बाहर निकलता है ना तो एग्जाम में सारे प्रश्न अच्छे लगते हैं, हाँ सर मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन जब वो बाहर आकर स्टैंड के पास, टेम्पू के पास पहुंचता है, और वो बाप रे वो प्रश्न तो गलत हो, आ प्रश्न में तो मन नहीं पढ़ के क्यों नहीं आए हो, अरे तो भाया पढ़ के क्यों नहीं आए हो, पढ़ के आऊं तो तू ही तो कौन पढ़ के आया, बाकी तेरे साथ पेपर दे रहा तो सब पढ़ के आया है ना। तो इसीलिए बेटा बोल रहे हूँ, बार बार रिपीट करके बोल रहे हूँ कि जब भी नहीं का क्वेश्चन आए तो उसको बड़े ध्यान से, और उसमें भी जब कूट आ जाए, उसमें भी जब कूट आए तो उसको बड़े ध्यान पूर्वक सही सोल्व करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक यमुना है 1365 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी निम्न में से कौन से राज्य में नहीं बहती है ना, तो गंगा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है भाई, चलो अपन देखते हैं। गंगा नदी सबसे पहले, गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बहती है, और उत्तराखंड के बाद दूसरी बहती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के बाद थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बिहार, बिहार, और बिहार के बाद में थोड़ा सा भाग जाता है झारखंड में, झारखंड में, और झारखंड के बाद, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, कहाँ पश्चिमी बंगाल में थोड़ा सा भाग जाता है ना, पश्चिमी बंगाल में वितरिका में बढ़ जाती है, वितरिका में बढ़ जाती है ना। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राइट आंसर कि कौन से राज्य में नहीं बहती है, नहीं नहीं बहती मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। अगला जो प्रश्न है, गंगा नदी की सहायक नदी जो बाएं तट पर सबसे अंत में मिलती है, बाएं तट पर सबसे अंत में, चलो देखते हैं। हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया भाई है ना, पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, अभी देखते हैं कि बाएं तट पर सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है ना, अभी देखते हैं इसको, अभी चेक करते हैं। ये देखो भाई है ना, ये क्वेश्चन गंगा से रिलेटेड था, और हमने देखा कि ये जो है ये बायां तट है, और बाएं तट पर सबसे अंत में मिलती है महानंदा नदी, महानंदा नदी, तो ये मिलती है कहां मिलती है, ये मिलती है बेटा फरक्का परियोजना है, फरक्का, और फरक्का जो परियोजना है इससे पहले मिलती है, और इस महानंदा नदी का उद्गम होता है दार्जिलिंग से, और दार्जिलिंग में सबसे बेस्ट चाय है भाई दार्जिलिंग की चाय है ना। वैसे तो आपका मन कर रहा होगा चाय पीने का, तो चाय पिएंगे अपन कहाँ की, दार्जिलिंग की, दार्जिलिंग की। तो गंगा नदी की सहायक नदी जो बाएं तट पर सबसे अंत में मिलती है कौन सी है, महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, आजकल ट्रेंड है ये तटों पर स्थित शहर, एसएससी तो कंफर्म पूछता है, और जो बच्चे एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं कंफर्म एक क्वेश्चन ऐसा आएगा भाई है ना। तो हरिद्वार, कानपुर, पटना और इटावा, हरिद्वार स्थित है क्योंकि हरिद्वार से ही तो गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में,
प्रवेश करती है, कौन करती है? गंगा। कानपुर स्थित है पटना, अरे बबुआ स्थित है पटना, और लास्ट इटावा, इटावा स्थित नहीं है। तो इटावा किस पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई बताओ? इसका राइट आंसर होगा इटावा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इटावा किस पर है? यमुना नदी पर, यमुना नदी पर। और मैं एक प्रश्न और बता देता हूं आपको कि यमुना जो नदी है वो दिल्ली से लेकर इटावा उत्तर प्रदेश तक हद से ज्यादा प्रदूषित है भाई, बहुत ज्यादा प्रदूषित, सर्वाधिक जो प्रदूषित है वो यही है, इटावा से दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? कितने जिलों से? 19 जिलों से। कितने जिलों से होकर बहती है? 19 जिलों से होकर बहती है, और 28 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। बिजनौर से तो प्रवेश करती है, बिजनौर से और बलिया से बाहर निकलती है, बलिया जिले से बाहर निकलती है गंगा। टोटल 28 जिलों से बहती है, बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। अगला जो प्रश्न है, बरेली शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बरेली, बताओ भाई बच्चों, बरेली जो है ये बरेली जो है ये राम गंगा नदी के किनारे है, और बरेली बदायूं, बरेली और बदायूं दोनों जो हैं ये राम गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है लखनऊ कौन सी नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? गोमती। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या, अयोध्या, और वही अयोध्या जो 22 जनवरी को बड़ा हमारे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल होगा, क्योंकि भगवान श्री राम को यहाँ बड़ा ही भव्य भव्य स्थल मिलने वाला है ना। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, अवनालिका अपरदन के लिए विख्यात चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक है भाई? यमुना की है, गंगा की है, बनास की है, या बेतवा नदी? चलो चंबल की जब अपन बात करते हैं तो चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और यहां से निकलकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में, है ना, चित्तौड़गढ़ से, और फिर इटावा में जाकर, इटावा यूपी में जाकर, और यमुना में अपना जल डालती है। किसमें डालती है? यमुना। तो किसकी सहायक हुई? यमुना की सहायक। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? रिहंद, और कल हमने जब प्रमुख झीलें पढ़ी थी, याद है क्या? प्रमुख झीलें, और उसमें हमने पढ़ा था कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है, यानी कि सबसे बड़ी कृत्रिम बोल दो या मानव निर्मित झील बोल दो, वो इस रिहंद परियोजना के पीछे स्थित है, जो कि सोन नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए, टनकपुर परियोजना काली नदी पर उत्तराखंड प्लस नेपाल की परियोजना है, उत्तराखंड और नेपाल की परियोजना है, टनकपुर परियोजना सही है, एकदम से सही है,
माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। ये जो है ये यूपी और एमपी की परियोजना है। नेक्स्ट जो बाण सागर जो परियोजना है सोन नदी पर है, बिल्कुल सही है, यूपी एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और पंचेश्वर परियोजना गंडक नदी पर नहीं है, ये जो है ये है कोसी नदी पर। और पंचेश्वर जो परियोजना है ये बिहार तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना, यानी कि बेमेल कौन है, पंचेश्वर परियोजना कौन है, पंचेश्वर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई विचार, क्या विचार करते हैं देखते हैं। बराकर नदी पर पंचेत बांध निर्मित है। पहली बात तो यह है कि ये बराकर नदी है कौन सी, तो हमें ध्यान होना चाहिए कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उससे पहले दो धाराओं के रूप में बढ़ जाती है, जिसकी एक वितरिका को कहते हैं अपन हुगली। क्या कहते हैं? हुगली। और ये जो हुगली है इसमें एक नदी अपना जल डालती है जिसको अपन बोलते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। और दामोदर की एक नदी सहायक है, एक सहायक नदी है जिसको अपन कहते हैं बराकर नदी। और इस पर दो बांध बने हुए हैं भाई, है ना, इस पर दो बांध बने हुए हैं, यहां और यहां। एक का नाम है तिलैया बांध और एक का नाम है मैथान बांध। और यहां दामोदर पर एक बांध बना हुआ है जिसको अपन कहते हैं पंचेत बांध। और यहां एक बांध बना हुआ है दुर्गापुरा बांध। यानी कि टोटल दो बांध हैं, वो है दामोदर पर पंचेत और दुर्गापुरा, और बराकर नदी पर तिलैया और मैथान। यानी कि इसने कहा बराकर नदी पर पंचेत है क्या? नहीं है, मतलब गलत है। दामोदर नदी पर मैथान बांध उल्टा लिख रखा है भाई, मैथान बांध कहाँ है? बराकर नदी पर है, तो ये भी गलत है। दामोदर नदी हुगली वितरिका में अपना जल डालती है, सही है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में जवाहर सागर बांध स्थित है क्या? मध्य प्रदेश में तो बेटा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, क्योंकि चंबल की जब अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बांध है जिसे अपन कहते हैं गांधी सागर। क्या कहते हैं? गांधी सागर। कहां है? मध्य प्रदेश में। फिर जब अपन बात करते हैं तो राजस्थान में है जवाहर सागर, एक है राणा प्रताप सागर, और एक बांध है कोटा बैराज। और ये जो कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर हैं, ये राजस्थान में है। कहाँ है भाई? राजस्थान में। यानी कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में तो गांधी सागर है, गलत बात है। इसका मतलब उपरोक्त कथनों में से सत्य तो केवल एक है, दामोदर नदी हुगली वितरिका में अपना जल डालती है। तो इसका मतलब निम्न कथनों में से सत्य कथन है केवल तीन है भाई, है ना। ऐसे प्रश्नों पर बड़े ध्यान से देखना बेटा, पहले उनको देख लिया करो, ये बातें सही पूछ रहा है या गलत, सत्य या असत्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना कौन सी थी? दामोदर परियोजना 1948 में प्रारंभ हुई थी भाई, है ना, 48 में, ठीक है ना, पहली परियोजना थी। और यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है, ये कौन सी नदी है? दामोदर घाटी पर बनाई गई थी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं भाई? चलो बताओ, आप लोग बताओ ये क्वेश्चन। सांगपो कहते हैं इसे तिब्बत में, कहां कहते हैं? तिब्बत में।
यारलंग जामगुबो कहते हैं चीन में, कहां कहते हैं चीन में। दिहांग कहते हैं इसको, दिहांग कहते हैं इसको अरुणाचल प्रदेश में। और जमुना इसे कहते हैं बांग्लादेश, कहां कहते हैं बांग्लादेश में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा सांगपो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तिपाईमुख बांध कौन सी नदी पर है। तिपाईमुख बांध है कौन सी नदी पर है, बराक नदी पर। कौन सी नदी पर है, बराक नदी पर, है ना, जो कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है मणिपुर की पहाड़ियों से। कहां से उद्गम होता है, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से, जिनको अपन बोलते हैं लेमाटोल पहाड़ियां। और इस पर एक बांध है जिसको अपन कहते हैं तिपाईमुख, तिपाईमुख बांध। और ये जो तिपाईमुख बांध है ये मणिपुर में है, कहां है मणिपुर। तिपाईमुख बांध कहां है, मणिपुर में, ठीक है ना। किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। किसकी सहायक है, ब्रह्मपुत्र की, ब्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। कहा जाता है क्या भाई, कहा जाता है सही में। अरे बेटा जमुना जो है, जमुना जो है मैंने आपको याद करवाया था पजामा, पजामा याद करवाया था ना, पजामा, पजामा याद करवा कि गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना और दोनों को मेघना। तो गंगा नदी को जमुना, जमुना तो बेटा ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, गलत बात है, क्या है गलत बात है, सरासर गलत बात है। गंगाधर भी शक्तिमान है, ये तो बहुत गलत बात है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, अरे हमें बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा ब्रह्मपुत्र नदी को तो बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। अरे अच्छा उल्टा लिख रखा है इसने, देखो उल्टा लिख रखा है, उल्टा। अच्छा जमुना व पद्मा मिलकर मेघना का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है भाई, किसने मना किया, सही को हम सही कहेंगे। और राष्ट्रीय जलमार्ग 02 सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी के बीच, अरे बबुआ गंगा पर नहीं है, गंगा पर नहीं है, किस पर है, ब्रह्मपुत्र पर। किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, है ना। और ये मतलब पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन, उपरोक्त कथनों में से असत्य। तो पहला असत्य, दूसरा असत्य, चौथा, पहला सभी असत्य नहीं है, केवल नहीं है, दो दो तीन चार, तीन का तो सही है नहीं है, तो इसका मतलब एक दो चार ये राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना घाघरा नदी गंगा नदी में जल कहां डालती है, छपरा बिहार में डालती है भाई, कहां डालती है, छपरा बिहार, छपरा में अपना जल डालती है। सोनपुर जो है, सोनपुर जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है भाई सोनपुर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरक्का परियोजना कौन से राज्य में स्थित है। अभी बात की थी हमने फरक्का परियोजना से पहले महानदी अपना जल डालती है पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की वह नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं डालती है। चलो देखते हैं प्रायद्वीप भारत की, जब अपन बात करते हैं प्रायद्वीप भारत, और जब प्रायद्वीप भारत की अपन बात करते हैं तो दो प्रकार से अपना जल डालती है, दो प्रकार से अपना जल डालती है। एक जो डालती है वो डालती है किसमें, किसमें डालती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। और दूसरी जो डालती है वो डालती है अरब सागर में, कहां डालती है, अरब सागर। और ये जो बंगाल की खाड़ी में जल डालती है ये बहती है पूर्व की ओर, और ये बहती है कहां, पश्चिम की ओर। इसमें, इसमें हमने नदियां पढ़ी थी प्रायद्वीप भारत नदी तंत्र बड़ा अच्छा करवा रखा भाई मैंने, है ना, बहुत अच्छे से करवा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बेटा। इसमें हमने देखा था स्वर्ण रेखा,
स्वर्णरेखा नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, फिर गोदावरी है, पहले गोदावरी से पहले महानदी है, महानदी, ब्राह्मणी है, महानदी है, फिर है गोदावरी है, गोदावरी है, गोदावरी के बाद में कृष्णा है, कृष्णा के बाद में पेनार है, पेनार के बाद में पलार है, पलार है, पलार के बाद में कावेरी है, कावेरी के बाद में वेगई है, और वेगई के बाद में ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी नदी है। सारी की सारी जल कहाँ डालती हैं? सारी की सारी जल डालते हैं बंगाल की खाड़ी में। पूछ क्या रहा है कि बंगाल की खाड़ी में जल नहीं डालती हैं, स्वर्णरेखा डालती है, पेनार डालती है, वेगई डालती है, पेरियार, पेरियार नहीं डालती भाई, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरियार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी? जो अभी हमने देखा, अभी हमने देखा कि ये जो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां अपना जल लेकर जाती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेल्टा नहीं बनाती है, तो इनसे अलग होगी। तो महानदी, महानदी बनाती है, कृष्णा बनाती है, ताम्रपर्णी, ताम्रपर्णी बनाती है, साबरमती नहीं बनाती। कौन नहीं बनाती? साबरमती, साबरमती जिसके किनारे सूरत और सूरत, सूरत और गांधीनगर गुजरात, सूरत और गांधीनगर स्थित है साबरमती नदी, जिसका उद्गम होता है राजस्थान के, राजस्थान से झाड़ोल, उदयपुर से, है ना। नेक्स्ट, दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा कहा जाता है बेटा, दक्षिणी गंगा कहा जाता है कावेरी को। किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा कहा जाता है कावेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी पर स्थित बांध नहीं है, गोदावरी पर, चलो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? त्र्यंबक के पठार से। कहां से होता है? त्र्यंबक के पठार से, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और इसकी एक खासियत यह है कि अपना जो जल डालती है वो जल कहां डालती है? वो डालती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। जब इनकी सहायक की बात करते हैं, सहायक की अपन बात करते हैं, तो यहां से एक नदी मिलती है इसमें, मंजरा नदी, मंजरा नदी। तो जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में है, जिस जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में किस पर है? गोदावरी पर है। और इसी के सारे नासिक शहर बसा हुआ है, पोचमपाद है, पोचमपाद है, और उसके बाद रामगुंडम है, रामगुंडम भी है। रामगुंडम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, पोचमपाद जिसे श्री राम सागर कहते हैं, जिसे श्री राम सागर बांध भी कहते हैं, पोचमपाद को, जो तेलंगाना में है। निजाम सागर बांध मजरा नदी पर है, निजाम सागर, निजाम सागर बांध जो है, निजाम सागर बांध जो है ये मंजरा नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? निजाम सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अलमाटी परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? अलमाटी, अलमाटी कृष्णा नदी पर है भाई, कृष्णा नदी पर। और कहां है अलमाटी? कर्नाटक में, कहां है? कर्नाटक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए, महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम होता है त्र्यंबक के पठार से, अभी अभी बात की है, गोदावरी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, कावेरी का होता है नर्मदा अरावली की पहाड़ियों से, नहीं भाई अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से, जो कि मैकाल पहाड़ियों की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1050 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है? कृष्णा, कृष्णा और आंध्र प्रदेश, कृष्णा और आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। अभी अभी अपने बात की थी कि अलमाटी बांध जो है ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। और कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, जो कि कोयना जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, सहायक नदी है। और कोयना में भाई भूकंप आया था 12
2009 को भयंकर भूकंप आया था जिससे यहाँ नुकसान हुआ था। 12 दिसंबर 2009 को भयंकर भयंकर नुकसान किया था भाई इसने, है ना। नेक्स्ट जो है अपना, नेक्स्ट जो है, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है ना, मैंने करवाया था आपको, सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी है गोदावरी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और तीसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। यानी कि तीसरी सबसे लंबी नदी कौन होगी? कृष्णा नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है 4.8 किलोमीटर। किस नदी पर है? किस नदी पर है? चलो बताओ किस नदी पर है, किस नदी पर है? महानदी पर, महानदी पर। कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। अलमाटी बांध अभी अभी हमने किया कर्नाटक में, कृष्णा नदी पर है। नराज और तिकरपाड़ा ये दोनों बांध जो हैं ये महानदी पर है भाई, महानदी पर, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मदुरई शहर कौन सी नदी के किनारे? मदुरई, मदुरई, वे गई, वे गई, वे गई, मदुरई, ठीक है ना। मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद शहर है मूसी नदी, जिसे हम मोतियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार बहने वाली नदी। जब मैंने ये ऑनलाइन करवाया था और कावेरी नदी में मैंने बताया था कि ये दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त करती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून से, तो कावेरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार बहने वाली नदी है भाई। और अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार है भाई, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अच्छा, अभिकथन कहता है कि तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, और ये वही तिस्ता नदी है, वही तिस्ता नदी है जिसका उद्गम चोलामू, चोलामू झील से होता है, और ये वही चोलामू झील है जो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में, और ये सिक्किम में है, भारत की सबसे ऊंची झील है, यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। पहले गंगा की सहायक थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की है। कारण कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। बिल्कुल है, दोनों बात सही है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं करता है क्या, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखते हैं, ए सत्य किंतु ये दोनों तो गलत हो गए। चलो इनमें देखते हैं, नदी अपहरण क्या होता है? नदी अपहरण का मतलब क्या हुआ कि जब एक नदी दूसरे नदी को अपने में शामिल कर लेती है, यानी कि उनके बीच का भाव क्षेत्र काट कर उसके जल को अपने जल में शामिल कर लेती है, नदी अपहरण कहलाता है। तो ये जो तिस्ता नदी है अपहरण के कारण ही गंगा से ब्रह्मपुत्र की सहायक बनी है। यानी कि पहला जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 46 में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भाई बिल्कुल करेंगे। ये जो है अपनी यमुना नदी है, और यमुना में सबसे पहले चंबल आकर मिलती है। कौन आकर मिलती है? चंबल, चंबल नदी, जो कि अवनालिका प्रदन के लिए जानी जाती है। चंबल के बाद सिंध के बाद चंबल, सिंध, बेतवा और लास्ट में केन। तो ये हो गई दिशा पूर्व और ये हो गई पश्चिम। पूछ क्या रहा प्रश्न में? पूछ रहा है कि पश्चिम से पूर्व क्रम से व्यवस्थित कीजिए। करते हैं, देखो भाई आदेश करो मालिक, आप वैसे ही कर देंगे व्यवस्थित। सबसे पहले कौन? चंबल, चंबल एक नंबर पे। फिर कौन? सिंध दो नंबर पे।
ठीक है मालिक। बेतवा 3 नंबर पे और केन 4 नंबर पे। अच्छा तो अब इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे, इनको व्यवस्थित करेंगे 4, 3, 1 और 2, ये अपना कोड जहां होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो 4, 3, 1, 2 मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 नहीं मिल रहा, 3, 2, 1, 4 नहीं मिल रहा, 2, 3, 1, 4 नहीं मिल रहा, मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, ए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोबारा रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है, क्या हमने याद किया था, पजामा, 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 और पजामे से हमने क्या याद किया, पद्मा, पद्मा, पद्मा किसे कहते हैं, गंगा को। जैसे जमुना, जमुना किसे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। और लास्ट में मैं, मेघना, दोनों जब पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती है तो इसे कहते हैं मेघना। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा, गंगा को कहते हैं पद्मा, पद्मा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस नदी की घाटी गहरी खड भूमि रेवेराइंस के लिए विख्यात है। अवनालिका अपरदन वाली बात है बेटा, ये वही बात है, क्वेश्चन घुमा के पूछा, केवल घुमा के पूछा है, कौन सी है, चंबल नदी, उत्खात भूमि भी बोलते हैं इसको, उत्खात भूमि, इसको अवनालिका अपरदन भी बोलते हैं, अवनालिका अपरदन। जो कि चंबल के बिहड़ हैं, चंबल के बिहड़ जहां डाकू निवास करते हैं। नेक्स्ट अपना है, निम्न में से कौन सा राज्य, कौन सा जल प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। नहीं कपिल धारा है, बालकुंड नहीं है, दुग्ध धारा है, बेड़ा घाट है, राइट आंसर क्या होगा इसका, बाल घाट। ये जो है ये मध्य प्रदेश में है, बानी नदी पर, बानी नदी पर, बानी नदी पर। और इसी के साथ, इसी के साथ हमारे 2023 की जो साल थी उसकी अंतिम शाम हम देख रहे हैं, उसकी अंतिम शाम के साथ ये वीडियो आपको मिल रहा है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाइए और आपको यूं के यूं ये 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। और कल से नई साल के साथ, नई साल के साथ अपन बहुत ही नई शुरुआत करने वाले हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी मैं इस चैनल पे आपको करवाने वाला हूँ। ज्योग्राफी पहले अपन व्याख्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। और इसी के साथ फिर मैं एक बार आपसे अलविदा कहता हूं 2023 के लिए। कल अपन बिल्कुल नई शुरुआत करने वाले हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अपने माता पिता का सपना साकार करो भाई। घणी घणी राम राम सबको, धन्यवाद भाई, सबको बहुत बहुत राम राम।